गाइस, मनूर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। भाई वो अभी जग के, वो तो मेरी आइस से भी तो चल रहा हूँ अभी, तो मैं जग के आ गया। तो गाइस, आप सभी को मैं आप सभी के साथ में ब्लॉग सुझा आप सभी को। तो पहली बात तो मेरी तबीयत ठीक हो गई है, और देखो मैं कैसे दिन बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मेरी मेहंदी भी हट चुकी है ना, तो मेरी मेहंदी बैठ गई है। और मेरी रूममेट दीदी भी आ गई है, पता है रूममेट दीदी आई है ना, उन्होंने ठीक किया है, मुझे डॉक्टर ने दिखा के लेके आई थी वो मुझे यहाँ, क्योंकि वो भी घर पे चली गई थी तो कोई दिखाने वाला नहीं था, तो उन्होंने मुझे दिखा के लेके आई थी। फिर सेकेंड बात, उन्होंने मेरे पैरों की मालिश की थी, मतलब एक छोटी बहन की तरह वो ध्यान रखती है, बहुत अच्छी है। लगता नहीं था चीज़ें रखी हुई थी चेयर वगैरह, आज देखो ये खाली है। आंटी जी ने इसको भी रेडी कर दी है, आंटी इसका काम चल रहा है, मतलब ये तो मार्मल वगैरह तो लग गया है, और टाइल्स है मार्मल जो भी है, पर मार्मल टाइप में है, टाइल्स ही है, ग्रेनाइट है, टाइल्स ग्रेनाइट जो भी है हा? तो अब यहाँ पे भी आंटी काम, यहाँ पे भी पूरा होने के बाद है, और आंटी यहाँ पे भी खुद रहेगी शायद, और नीचे पीजी खोलेगी या फिर ऊपर पीजी खोलेगी या खुद रहेगी, बाकी तैयार होने के बाद पता चलेगा। तो आज का मौसम जयपुर का असम मौसम असम है, क्योंकि आज का बारिश, अलवर में तो कल बाद बारिश हुई थी, मतलब सिस्टर ने स्टेटस लगा रखा था तो उससे पता चला था कि अलवर में बारिश हुई है, तो जयपुर में भी जल्दी सी बारिश हो जाए ताकि ठंडा ठंडा मौसम हो जाएगा, घूमने में मजा आएगा। आप सभी के साथ ब्लॉग भी शेयर करेंगे, घूमने भी जाएंगे थोड़ा सा। तो चलो दिखाते हैं बाहर का पीछे का व्यू कैसा लग रहा है, ठीक है, मौसम में ऐसे मौसम में, और टाइम हो रहा है 6 बजे, 6:15 का समथिंग का टाइम, 6:30 का समथिंग का टाइम हो रहा है। चलो दिखाते हैं फिर आपको पूरा सामान, यहाँ का जितना भी सामान था पूरा बाहर निकाल के डाला हुआ है मिस्त्रियों ने, दिखाती हूँ कि ऊपर छत कैसी हो रही है, पूरा व्यू ठीक है। देखो पीछे कैसे पड़ा हुआ है, हाँ देखो इधर देखो कितना सा सामान पड़ा हुआ है, और देखो ये खाली हो गया क्योंकि इसमें लग गई है टाइल्स, और ये देखो पूरा सामान इधर डाल रखा है। डाल दे सामान वामान पूरा बाहर डाल दिया, और अब काम बंद है एक दो दिन से, पता नहीं कहीं गए हुए हैं हाँ नहीं। और देखो आज का मौसम कितना प्यारा हो रहा है, चलो पीछे के सब कमेंट का एक लो, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था, तो उसमें कमेंट्स में बोला था कि दीदी आपने आपने तो वीडियो से इतने सारे गिफ्ट ले लिए, पर आपने आपने वीडियो गिफ्ट क्यों नहीं दिए। तो मैंने गिफ्ट कुछ प्लान भी नहीं बनाया था, और उस प्लान भी नहीं बनाया था कि देने का ऐसा, और वो उस दिन वो जयपुर से लगे थे, उनका जयपुर कुछ काम था, तो कुछ अर्जेंट काम था तभी यूनिवर्सिटी छोड़ के वो जयपुर आए थे, और नहीं तो वो खुद ने इतना मतलब इतना सोचा और कुछ और कर भी नहीं पाए। और फिर दूसरी सेकेंड बात ये कि यूनिवर्सिटी वाले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरे को सोचने क्या सोचूँ तब भी कुछ नहीं कर सकती, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आप सभी को पता है आपको कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मेरी तबीयत 52 बीपी रह गया था, और बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी, और बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, बहुत ज़्यादा धूप की वजह से, धूप में और धूप में निकलना और फिर धूप के अंदर निकल के ठंडा कुछ पीना बहुत बुरी हालत कर देता है। और तो गाइस मेरी एग्ज़ाम है, एक सभी को एक चीज़ बता दी हूँ कि एग्ज़ाम है, मैं राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम देने वाली हूँ, और तो वो एग्ज़ाम मेरा सेंटर कहाँ आया है, बहुत दूर आया है, कैसे जाऊँगी यही सोच में डूबी हुई हूँ कि जाऊँगी कैसे, इतनी दूर सेंटर आया तो देखते हैं कौन ननद का भी है, मेरी ननद है उनका और मेरा दोनों का है, तो दोनों देखेंगे कैसे जाएंगे, तो खुद तो करना पड़ेगा, कैसे तो जाना पड़ेगा। सिस्टर का तो जब दौसा है, और देवर का जयपुर है, और मेरा ब्लॉग में बता अभी बता दूँ ये बाद में, तो अभी बता देते हैं चलो, मेरा मेरा सेंटर सीकर,
जिन जिन किसी किन किन का सीकर सेंटर आया है राजस्थान पुलिस की, कौन कौन एग्जाम दे रहा है, और जिन जिनका सीकर आया है तो जरूर कमेंट्स में बताना कि किस किस का सेंटर सीकर आया है। अब ये मत सोचना कि दीदी आप टीचर की तैयारी कर रहे हो तो आप राजस्थान पुलिस के एग्जाम क्यों दे रहे हो, ऐसा नहीं है। एग्जाम तो दे लेनी चाहिए, उससे नॉलेज बढ़ती है एग्जाम देने से। और मुझे तभी ये भी नहीं पता एग्जाम कैसे लगती है, तो मैंने एग्जाम दी हुई भी नहीं है, तो इस वजह से मेरे को सीखना बहुत ज़रूरी है पहले एग्जाम देने, नॉर्मल ऐसे एग्जाम दे दे के। तो देखती हूँ कैसे, ऑफलाइन आ रही है इसलिए थोड़ा सा देखते हैं, वैसे जाऊँगी एग्जाम देने के लिए मैं सीखकर। तो अगर कमेंट से बताना अगर कौन कौन सीखकर किस किस का सीखकर सेंटर आया है, और किसी से पूछ के जो भी है आपके घर में कौन दे रहा है और जिसका सीकर आया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। और मेरी तबीयत अब ठीक है, थोड़ा सा गला भारी भारी है, वो ठीक हो जाएगा। और वीर जी को गिफ्ट क्या दूँ गिफ्ट मतलब गिफ्ट तो कब देना अच्छा लगता है, जब कि जब ना खुद के पैसों से खुद कमा रहा हो, उनसे पैसे लो उनसे गिफ्ट ले लो, क्या मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो जब मैं पैसे कमाऊँगी ना तो गिफ्ट लूँगी, तब मुझे अच्छा लगेगा ऐसे उन्हीं से पैसे लेके, और तो गिफ्ट देना तो अच्छा नहीं लगता। और सरप्राइज भी तभी अच्छा लगता है तब उनसे बिगर बताए कोई सरप्राइज हो, तो सरप्राइज तो तभी हो सकता है ना तब इंसान खुद कमा रहा हो या खुद के पास पैसे हो। तो बस इस वजह से मैंने उनको सरप्राइज दे दिया, दूंगी लाइफ में किसी दिन तो दूंगी, कभी तो टाइम आएगा सरप्राइज देने का, ऐसा नहीं है अगली बार दे देंगे, इस बार नहीं अगली बार दे देंगे। आप पतले हो कमजोर हो कमजोर हो कमजोर हो कमजोर हो, मैं इतना खाती हूँ इतना खाती हूँ और इतना खाऊंगी ताकि कि मैं इतना मोटा हो जाऊँ ताकि कि आप सभी की बातें सच आप सभी को भी अच्छा लगे कि मनु मोटी हो गई है मनु मोटी हो गई है। तो इस वजह से मेरा पूरा फोकस खाने पे है ताकि कि मैं ज़्यादा ज़्यादा खा के और बहुत मोटी हो जाऊँ, और मोटी होने के बाद मुझे मेरे सब्सक्राइबर ये बोल दें कि दीदी अब मोटी हो गया अब मत होना इससे ज़्यादा मत होना। तो इस वजह से मैं खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, तबीयत खराब हो गई थी ना इस वजह से थोड़ा वापस डाउन पड़ गए थे, नहीं तो ऐसा नहीं था, खराब तो था मेरे अंदर। तो चलो कोई बात नहीं, अब वापस से वो स्टार्ट कर देते हैं खाना पीना, रूटीन वापस से अपना, और मोटा हो जाएंगे फिर आप सभी के साथ, आप सभी को भी अच्छा लगेगा मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है।